नमस्कार, स्वादिष्ट किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे स्वादिष्ट मिसल पाव। नाम सुनकर मुंह में पानी आ गया ना। मिसल बनाने के लिए कढ़ाई में तेल डालकर गरम कर लें। फिर इसमें जीरा 1 चम्मच, 4 से 5 करी पत्ता, लहसुन बारीक कटी हुई, और चुटकी भर हींग डालकर मिला लें। अब इसमें कटा हुआ टमाटर, कटे हुए प्याज, स्वाद अनुसार नमक डालकर पकने दें। फिर इसमें 1 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डालकर अच्छे तरह से मिला लें। अब इसमें 2 उबले हुए आलू, जिसमें आधे आलू को हमने कद्दूकस कर लिया है और आधे आलू को छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं। फिर इसमें सफेद चने डाले, जिनको हमने रात में भिगा कर रखा था। अब इसमें 1 कप पानी डालकर उबली आने तक ढक कर पकने दें। आ गई है, अब हम इसमें 2 चम्मच दही डालेंगे। कटा हुआ हरा धनिया, तो 1 चम्मच घी डाल दें, जिससे बहुत स्वादिष्ट टेस्ट आता है। मिसल तैयार है। अब हम पाव को बटर लगाकर इस तरह सेक लेंगे। सब लोग पाव को सेकते नहीं, तो आपको जैसा पसंद हो आप वैसे कर सकते हैं।
पाव तैयार है। इसको हम कसा और कटे हुए बारीक प्याज से और नींबू के साथ परोसे। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। आपको रेसिपी पसंद आई हो तो शेयर जरूर करें और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।